प्यारों को भी प्योरीफाई करें, शुद्ध करें, पवित्र करें, सबके प्रति, किसी के प्रति भी नफरत ईर्ष्या द्वेष ना रखें किसी के, और कर्म अच्छा करें, कुछ अपने जीवन का समय सेवा में लगाएं, सबके स्वार्थी, लोभी, लालची, घमंडी ना बने। जो कोई व्यक्ति घमंडी होगा वो भी बीमार पड़ेगा, लिख लेना जा करके। वो चाहे वो चाय ना पिए, प्रोटीन वाली चीजें ना खाए, मांस मुर्गा ना खाए, अंडे ना खाए, शराब ना पीता, तब भी उसकी बीमारी उसको आएगी। चाहे उसकी किडनी खराब हो, चाहे लिवर, कुछ ना कुछ उसका होगा। अब आप कहोगे जी उसका क्या संबंध है, मैं बताता हूँ क्या संबंध है। जब वो मनुष्य में घमंड होता है, विकार होता है, तो उसमें अकड़ होती है, और वो अपनी अकड़ से दूसरों को दुख देता है, दबाता है, दुखी करता है, अकड़ दिखा दिखा के। और परमात्मा जो है वो मानता नहीं, ईश्वर की तो बात सुनते नहीं अपनी अकड़ में, तो फिर भगवान उसकी अकड़ ढीली करने के लिए उसकी ताकत को खत्म कर देता है, और वो फिर घाट में पड़ जाता है। फिर उसकी अकड़ ढीली हो जाती है, और फिर वो विनर्म हो जाता है, फिर वो भगवान का नाम लेना शुरू करता है, फिर वो भगवान की पूजा भक्ति सेवा में लगता है। इसलिए जो व्यक्ति के मन में ये विकार होंगे वो भी बीमार पड़ेगा, उसकी किडनी भी खराब हो सकती है, लिवर भी खराब हो सकता है, हार्ट भी, कोई भी प्रॉब्लम उसको आ सकती है। इसलिए अपने मन में हमेशा विनम्रता रखिए, हमेशा दया भाव रखिए, सेवा भाव रखिए सबके प्रति, प्यार से कीजिए। दो बात कह दे तो सुन लीजिएगा, अकड़ मत दिखाइए किसी को भी, बिल्कुल निर्मल। जब आप ऐसे मन से ऐसे विनम्र रहेंगे, कुछ सेवा करेंगे किसी सबकी, और प्रभु का भजन करेंगे, और प्रभु से हमेशा प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु कृपा करना, मेरे मन के विकार दूर हों, और दूर करेंगे तो भगवान आपको कभी कमजोर नहीं करेगा, कभी आपको बीमार नहीं करेगा। वास्तव में ये हमारे कर्म के अनुसार ही किडनी भी हमारी खराब होती है, सारे रोग बीमारियां हमारे सारे धर्म ग्रंथ, गुरुजन, संत महात्मा, सारे कर्म का निर्धारित है, इसके कारण हमें बीमारियां आती है। इसलिए अपने कर्म को अच्छा करना है, अपने कर्म को खराब नहीं होने करना किसी भी हालत में, हमेशा ही जो भी करो सो अच्छा ही करो, जिससे किसी का भी अहित ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो, ऐसा कर्म अपने यहाँ कीजिएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने लिए तो कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें रख ले, दूसरों कहते हैं वो तो दूसरों को देने दे दो, अपने लिए अच्छा अच्छा करो। और जो उसने दूसरों के लिए किया मिलना उसको वही है वापस, उसको वही मिलना जो उसने दूसरों को दिया। तो इसलिए इस कुदरत के सिद्धांत को, विज्ञान को भी समझे, दूसरों को हमेशा जिसको भी दे अच्छा ही दे, जो कुछ आपके पास अच्छी से अच्छी चीजें हुई। घर में लोग आते हैं मेहमान, उनको तो चाय पिला देंगे, खुद नहीं पियेंगे, कहेंगे चलो ठीक है वो तो बाहर से आए थे ना इसलिए उनको पिला दिया, हम वैसे नहीं पीते, उनके साथ पीते। अब जब पता है तुम्हारे को भी चाय नुकसान करती है, मिठाइयाँ नुकसान करती है, तो उनको आने वालों को भी क्यों पिलाते, उनको भी क्यों नहीं बचाते आप। लेकिन ये भाव हमारे मन में नहीं आता। बीड़ी पीने वाला कहता है तो दूसरों को पिलाता हूँ, मैं थोड़ी पीता हूँ, अभी तो दूसरों को विनाश कर रहा है, तो ये तेरा ही विनाश होना है। दूसरे बच्चे पी रहे हैं बीड़ी पीने वाले, शराब पीने वाला शराब पी रहा है, वो कहता मैं तो नहीं पीता, बेचता हूँ, और बेचता है तो दूसरों का तो विनाश करेगा ना, वो तेरे बच्चे भी वही पिएंगे आज नहीं कल, तेरा ही विनाश होना, किसी ना किसी रूप में उसका विनाश होना। इसलिए कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे किसी की भी हानि हो, किसी का भी नुकसान हो। सो किडनी अगर खराब हो गया तो उसको कैसे ठीक करना है, ये एक काढ़ा हमारे पास नीम गलोय का, ये थोड़ा सा अंदर से जितनी भी इन्फेक्शन कोई हो गया उसको जो है ठीक कर देता है। और दूसरा, सारे रोगों को शुरुआत जो है वो पहले पेट साफ से होती है, सारे रोगों के इलाज, कोई भी रोग हो जाए, अगर पेट साफ नहीं होता आपका तो कोई भी रोग ठीक नहीं होगा, चाहे किडनी का हो चाहे कोई भी। तो सबसे पहले जो है पेट साफ करना,
पेट साफ करने के लिए क्या करना है? अनिमा है। एक तो अगर आपके मल अंदर सूख गया, नहीं निकल रहा बाहर किसी कारणवश भी, जम गया, आप जोर लगा रहे हैं पेट को साफ करने के लिए लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा, तो आप इस अनिमे का उपयोग कीजिए। ये अनिमा है, इसके अंदर में पानी डाल के 100-200 ग्राम के करीब पानी है, इसके ऊपर लगे हुए मार्क लगे 200 ग्राम पानी डाल के, इसके आगे एक कैथेटर होता है, कैथेटर लाल रंग का, इसके आगे वो ट्यूब लग जाती है, उसको थोड़ा लुब्रिकेट करके तेल लगा करके थोड़ा सा, और थोड़ा सा एनस में मल द्वार में तेल लगा करके इसको ऊपर करके रख दें, और उसके अंदर से हमारे बड़ी आंत में पानी चला जाता है 100-200 ग्राम के करीब। उस पानी को अंदर जाने पर रोकें, थोड़ी देर रोक करके पेट को थोड़ी मालिश करें, तो जो सूखा हुआ मल है अंदर में, गांठें बन चुकी है, नहीं निकल रहा, वो मल इससे नर्म हो जाता है, तो 10-15 मिनट बाद आप शौच जाएंगे, मल साफ हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। जिस काम को आपके अंदर की प्राण शक्ति करने में ताकत लगा रही थी, वो आपने बाहर से उसको सहायता करके वो काम कर दिया, तो अंदर की शक्ति वो बच जाती है इमीडिएट, और अंदर में जो मल सड़ा हुआ गैस बन करके आपके दिमाग को नसों नाड़ियों में जा रहा था वो भी रुक जाती है, पेट साफ होते ही आराम मिल जाता है आपको, लगभग उसी वक्त रिलीफ आ जाता है, उसी वक्त खुल के फिर भूख भी लगती है। इसलिए सबसे पहले पेट साफ करना है, और जिन चीज़ों से पेट साफ हो वो चीज़ें भोजन खाना है, खाना भी वो भोजन है, जो पेट में जाके चिपक जाए और अंदर में कब्जी को बढ़ाए वो भोजन भी नहीं खाना है। इसके साथ साथ में उसके लिए प्रभावकारी या तो पानी की पट्टी है, ये किडनी के रोगों के लिए ये पानी की पट्टी कैसे लगानी है ये आपको बताएंगे इंजीनियर, पेट के ऊपर आजकल सर्दी है थोड़ी, ज़्यादा ठंड हो तो पट्टी मत लगाइएगा, लेकिन गर्मी के दिनों में या अगर बर्दाश्त कर सके दिन में, जब पूरी तरह दिन के अंदर में धूप निकली हो, ठंड ना लगती हो, उस समय आप इस पट्टी को लगा सकते हैं। ये देखिएगा, ये हमारी तीन पट्टियां हैं, कॉटन का कपड़ा है, कॉटन का थोड़ा ऐसे आ जाओ थोड़ा, और तीनों को हमने कम थोड़ा पीछे हो जाओ थोड़ा, हाँ नहीं आप तो रुको थोड़ा पीछे, अब ठीक, हाँ तीनों को हमने नॉर्मल पानी में से निचोड़ लेना है, ध्यान से सुनिएगा, ये पट्टी रामबाण है सभी प्रकार की जो हमारी बीमारियां हैं उनको ठीक करने का, ये एक साधारण सा तरीका है, लेकिन देखने में साधारण है लेकिन इसका जो असर है वो रामबाण का कार्य करता है। हमने तीनों पट्टियों को नॉर्मल पानी में से निचोड़ लिया, और ये देखिएगा जो बड़ी पट्टी है जो पेट पर लगानी है इसको हमने चार तह में ले लिया, चार तह में लेकर इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करते हुए हमने इसको पेट के ऊपर बांधना है, तो इसके फायदे क्या क्या हैं हम आपको पेट के ऊपर बांधना सिखा रहे हैं, लेकिन आपने बांधना है स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर, त्वचा के ऊपर बांध कर सेंटर हमारा रहेगा नाभि, नाभि के ऊपर आप बांधेंगे, ये देखिएगा हमारी बहन बांध रही हैं इस तरीके से, बांधते हुए हल्के बाद हल्के बाद इस तरीके से आपने पेट के ऊपर बांधना है, नाभि से ऊपर रहे और नीचे का पार्ट दोनों कवर हो जाएंगे, और हमने पूरी पट्टी को लपेट देना है। जब हम पेट के ऊपर लपेटेंगे तो हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, अभी आपको बताया जा रहा है जो हमारे सबसे वर्किंग जो 24 आवर्स वर्किंग करती है किडनी, अभी आपको किडनी के बारे में बताया गया, और लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन और जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्टमक एरिया, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी इनकी जो वर्किंग कम हो जाती है, शिथिल हो जाते हैं धीरे धीरे, एक समय आने पर हम जो गलत खान पान करते हैं उसके द्वारा हमारी जो ऑर्गन्स की वर्किंग है कम हो जाती है, कम होने के कारण हमारा सिस्टम स्लविश हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, तो हर ऑर्गन को एक्टिवेट करने के लिए हमने पेट के ऊपर पट्टी लगाई, तो उसमें सारे ऑर्गन्स, जैसे पेड़ को, एक पौधे को पानी मिल जाता है तो वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और हरा भरा हो जाता है,
इसी तरीके से हमने जब पेट के ऊपर लगाया ये पट्टी तो हमारे सारे ऑर्गन्स हरे भरे हो गए, यानी एक्टिवेट हो गए, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ गई। तो हमने सिर्फ साधारण मात्र क्या किया, पेट के ऊपर पट्टी लगाई, तीनों पट्टियां हमने लगानी है आधे घंटे के लिए। खाली पेट लगाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम खाना खाने के बाद भी लगा सकते हैं। तो दो टाइम हम सभी को प्रिस्क्राइब करते हैं कि दो टाइम पट्टी लगानी ही लगानी है, स्किन को टच करो। तो कपड़ों के ऊपर नहीं लगानी, मैं दोबारा बता रही हूँ, पेट के ऊपर, स्किन के ऊपर लगानी है, फिर आपने कपड़ों को ऊपर उसको ढक देना है। तो इस तरीके से हमारे सारे ऑर्गन्स पेट के रीजनरेट हो गए। और सबसे बड़ी बीमारी जो हमारी दिन प्रतिदिन सभी को आजकल देखने में आ रही है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, पेट का साफ ना होना, तो उसमें भी ये रामबाण का कार्य करती है, पेट को साफ करती है। क्योंकि अंदर की जो हीट है, पेट की जो हीट है, वो हमारी कब्ज का कारण भी है। तो उस हीट को ये पट्टी जो है अपने अंदर ले लेती है। जब हम इसको खोलेंगे ना आधे घंटे बाद, तो अंदर से टच करिएगा, पट्टी आपको गर्म मिलेगी। तो इस तरीके से इसने पेट की पूरी हीट को ले लिया। दूसरा पट्टी है गले पर लगाई, देखिएगा इस तरीके से हमने बांध दी। गले पर लगाने से हमारे गले की सारी तकलीफें, सभी को मालूम है क्या क्या तकलीफें होती हैं गले से रिलेटेड, कफ, कोल्ड, और क्या है, वोकल कोल्ड, यानी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि भी यहीं पर है ना, तो थायराइड ग्रंथि को भी एक्टिवेट करती है, थायराइड हमारी बीमारी को भी ठीक करती है। जो हम कई सालों तक लेके फिरते रहते हैं इस बीमारी को, जो कोई एलोपैथी दवाई से भी ठीक नहीं होती, तो ये है हमारे गले पर लगाने जो पट्टी हम लगाते हैं उसका फायदा। अब तीसरी पट्टी हमने लगाई माथे पर, ये देखिएगा कैसे ये बहन ने चारों तरफ लपेट लिया, आपको लगा के दिखाई है। माथे पर लगाने से हमारा सिर दर्द भी ठीक होता है, सिर दर्द, माइग्रेन, और सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन, डिप्रेशन तक को ये ठीक करने में सक्षम है। तो हमारे पेट में जो गैस बनती है, तो जब पेट में गैस बनी, पट्टी हमने पेट पर लगाई, तो पेट पर इस पट्टी ने उसको रोक लिया, खत्म ही कर दिया। और थोड़ी बहुत गैस जो ऊपर चढ़ी, गले पर आई, तो गले पर हमने उसको पट्टी लगा के खत्म किया। और जो गैस हमारे सिर में चढ़ती है, बहने बांध लेती हैं चुन्नियाँ, बांधती है ना घरों में, लेकिन वो दुपट्टा बांधने से कुछ नहीं होगा, ये पट्टी लगाओ। जब हमारी जो गैस है पेट की, सिर के ऊपर चढ़ती है, सिर दर्द करती है, तो ये छोटी सी देखने वाली साधारण पट्टी जो है हमारे सिर दर्द को भी ठीक करती है। तो देखा आपने कितनी बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने में सक्षम है। तो हमने दो बार लगानी ही लगानी है, एक बार सुबह लगाओ और एक बार शाम को लगाओ। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो अपना एक टाइम सेट कर लें, सुबह उठते ही लगाएं, और फिर रात को सोते हुए, सोने से पहले भी लगा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये पट्टी, कई बहने भाई पूछते हैं कि आजकल सर्दियां हैं, ठंड लगती है, तो हम इसको गर्म पानी में से निकाल लेंगे, गर्म पानी में से निकाल के निचोड़ के, और इसको फिर तीनों की तीनों हमने पट्टियां लगानी है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए तीनों पट्टियां लगा के रखनी है। टाइम देखो, 5-7 मिनट 10 मिनट इधर उधर होते हैं तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन पट्टी आपने डेली रूटीन में लगानी है। ये है हमारी साधारण से पट्टी, देखने वाली पट्टी के लाभ। ये पट्टी जो है सभी बीमारियों में आप लगा सकते हैं, कोई भी बीमारी। थैंक यू सो मच। और अभी बताया मैंने, पेट रोज साफ होना चाहिए, ज्यादातर पेट से बीमारियां पैदा होती हैं। अभी जितने भी मरीज आए, इनके अंदर में गांठें बनी हुई हैं, ऐसे अंतड़ियां कहीं सुकड़ी हुई या कहीं फैली हुई है, इतनी बुरी हालत, दुर्गति शरीर की हो जाती है। अगर आपकी अंतड़ियों में गंदमल जमा हुआ तो किसी भी कीमत पर आप ठीक नहीं हो सकते, कुछ भी आप करते हो। हमने ये मरीजों का, लता का, और इनका जो एक और पेशेंट आया, उनको क्या किया, पेट साफ किया। पहले पेट साफ होते ही आपको आराम मिलता है, पेट साफ होते जो गैस बन रही है, सड़न हो रही है अंदर में, सड़ रही है अंतड़ियों में पड़ा हुआ मल, वो दिमाग को चढ़ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आप मुरझा रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको ठीक होने लगती हैं। इसलिए पेट रोज साफ होना बीमारी की शुरुआत, इलाज की प्राकृतिक चिकित्सा से, प्रकृति से सबसे पहले पेट साफ से होती है, ठीक है। अगर पेट साफ आपका नहीं हो रहा तो नीम का उपयोग करना, एमरजेंसी में
रोज रोज अनिमा नहीं लेना, रोज रोज अपने भोजन का सुधार करना है। जो भोजन चिपके नहीं, परमात्मा ने जो भोजन हमें दिया उसमें बहुत सारा भोजन ऐसा है जो पेट को खुद ही साफ करता है। अमरूद है जैसे पेट को साफ करता है, बथुए का रस है पेट को साफ करता है, मेथी का जूस है पेट को साफ करता है, फलों के अंदर में नाशपाती है, अमरूद है, नाशपाती आती है जब नाशपाती का रस पेट को साफ कर देता है, और खीरा टमाटर मूली है, मूली और मूली के पत्ते पेट को साफ कर देते हैं। ऐसा जो भोजन बनाया है परमात्मा ने, वो जो भोजन पेट को साफ करता है उसकी मात्रा को बढ़ा दें, और जो अंदर जाके चिपकता है सूखी रोटी दाल और मैदे की बनी हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ों को बंद कर दें या कम कर दें खाना, ताकि पेट जो है साफ हो जाए रोज का। उसके बाद में खाने के अंदर में किडनी के मरीज के लिए प्रोटीन वाली चीज़ें सारी बंद कर दें जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होती है, वो बिल्कुल ना खाएं। दालें बिल्कुल बंद कर दें, मांस मछली अंडे बंद कर दें, दूध और दूध से बनी चीज़ें सारी बंद करनी है, घी तेल वाली सारी चीज़ें बंद करनी है, क्योंकि उन सब चीज़ों में ज़्यादा प्रोटीन होती है। जो काजू बादाम अखरोट वगैरह हैं वो भी बंद करने हैं। कुछ शरीर देख करके भी बताया जाता है, अगर शरीर ज़्यादा भारी है तो सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं, रोटी दाल भी बंद करनी पड़ती है कुछ समय के लिए, और बिल्कुल हल्की चीज़ें पर रखा जाता है मरीज को, ताकि उसका एक तो वजन कम हो जाए और दूसरा खून जो है अल्कलाइन हो जाए, एसिडिटी खून की कम हो जाए, और क्रिएटिनिन ना बढ़े, पोटाशियम ना बढ़े। उसके लिए जो पोटाशियम को कम करने वाला भोजन है वो वाला भोजन दिया जाता है। जैसे अभी आपको बताया कि ये जो है केले का डंडा एक टाइम इसके जूस में मिला करके दिया जाए, एक गिलास भर करके अच्छी तरह मिक्स करके 6 इंच, इससे जो है खून भी बढ़ेगा और एसिडिटी भी खून की कम होगी और क्रिएटिनिन भी कम हो जाएगा। अभी कंचन को हमने ये चीज़ें दी थी यहाँ पर, तो उसका क्रिएटिनिन एकदम जो बढ़ रहा था वो एकदम बढ़ना हुआ रुक गया और धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, चाहे थोड़ा ही कम हुआ, चाहे 0.1 कम हुआ, 2 कम हुआ, चाहे 0., लेकिन कम होना शुरू हो गया, और हेमोग्लोबिन जो था थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। हेमोग्लोबिन खून में जो ताकत शक्ति है वो बढ़नी शुरू हो गई, एसिडिटी लेवल बढ़ना शुरू हो गया और वो कम होना शुरू हो गया, और जो डायलिसिस था पहले एनर्जी नहीं थी, एनर्जी नहीं थी बिल्कुल भी, शक्ति नहीं थी शरीर के अंदर में, शक्ति आनी शुरू हो गई, एक्टिव हो गई, क्योंकि खून अपने आप साफ होने लग गया। परहेज किया, पहले चाय बहुत पीती थी और प्रोटीन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती थी, इसलिए जो था क्रिएटिनिन बढ़ गया और किडनी में प्रॉब्लम आ गई, और सारी चीज़ों को बंद किया तो धीरे धीरे करके वो ठीक होने शुरू हो गई थी। तो इस प्रकार से लेना, एक टाइम पेठे के जूस में ये रस मिला करके ले लीजिएगा दोनों चीज़ों, और घिया है तोरी है, घिये का रस अगर वैसे निकाल करके पिए तो ज़्यादा अच्छा है, घिये का रस, तोरी की सब्जी बना लें बॉयल करके वो ले लीजिएगा सब्जियों के अंदर में। मूली बहुत बढ़िया है किडनी के मरीजों के लिए, मूली खा सकते हैं आप लोग, गाजर का जूस भी ले सकते हैं किडनी के पेशेंट, गाजर का जूस ले सकते हैं, और रोटी हरी सब्जी के साथ खाएं, रोटी हरी सब्जी के साथ रोटी खा लें, तो ज़्यादा हैवी भोजन प्रोटीन वाली चीज़ें सारी बंद कर दें, और ये जो ज्वारे का रस है इसको 3-4 बार लें ताकि खून की कमी ना हो। खून की कमी होने के बाद में खून बनता नहीं अंदर, सारी पत्तेदार सब्जियां, रूट वेजिटेबल सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं मरीज की, और बंद करने से खून बनेगा किस चीज़ का। खून शरीर के अंदर में सिर्फ हरी पत्तेदार सब्जियों का खून बनता है या फलों के रस से खून बनता है। अब फलों के रस जो है वो भी लेते हैं, लेकिन लीवर भी थोड़ा उसके साथ साथ अफेक्ट में आ जाता है, और खून लीवर वीक होने से भी खून नहीं बनता शरीर के अंदर। ये जो ज्वारे का रस है ये लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, कैंसर को भी ठीक करता है। ये वास्तव में क्या करता है कि हमारे अंदर के शरीर की जो ताकत है उसको बढ़ाता है, शरीर के अंदर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जब वो शरीर की ताकत अंदर की बढ़ जाती है तो वो फिर खराब हुए अंगों को रिपेयर करती है, वो किडनी को कोई बाहर की ताकत रिपेयर नहीं करती। जो इन चीज़ों में तत्व होते हैं, इन चीज़ों के अंदर में, इसके अंदर में तत्व है, पेटे के जूस के अंदर में जो तत्व है वो तत्व खून की सफाई करके शरीर के अंगों को ताकत देते हैं जो कमज़ोर हो चुके हैं, फिर उनका फंक्शन जो है ठीक होने लगता है। उसके साथ साथ एक और ज़्यादा प्रभावकारी है
अपना टबवात, टबवात जो है ये भी बहुत प्रभावकारी है किडनी के मरीजों के लिए। कम से कम दो बार जो है किडनी के मरीजों को हिप बाथ लेना चाहिए, दो बार। यहाँ तक का हिस्सा जो है पानी में डुबोना चाहिए। टब बाथ पड़ा हुआ है यहाँ पे, जरा बता दें कैसे लेना टब बाथ। इसमें कोई टब पड़ा हुआ तो जरा एक टब लेंगे वहाँ से, वो टब ले, और टब ले करके आना, जरा कोने में खाली कर लेना उसको। ये टब जो है कैसे फायदा करता है किडनी के मरीजों के लिए, जब टब के अंदर में बैठाया जाता है मरीज को, इतना हिस्सा हिप्स के साथ, हाँ टब के साथ खड़ा हुआ, वो ले लो, गीला है ये थोड़ा सा, वो सूखा ले लो, सूखा वाला ले लो, ताकि इसमें बीच के बैठ के बता। बीमारियां सारी ठीक हो सकती है, किडनी भी बिल्कुल ठीक हो सकती है आपकी नॉर्मल, लेकिन आपको अपने जीवन को, खाना पीना, रहन सहन को चेंज करना है पूरी तरह से, तब ये किडनी हम आपकी ठीक हो। ऊपर रखो, नीचे नीचे रखो, नीचे देख लेंगे। ये है टब, ये भी किडनी के लिए बहुत लाभकारी है, किडनी को ठीक करने के लिए। कैसे है ये, इसका फंक्शन और विज्ञान हम आपको समझाते हैं कैसे किडनी को ठीक लीजिए। यही रखो, इसके अंदर में हिप बात के तौर पर कोई व्यक्ति बैठेगा, इसके अंदर जैसे ही बात लेते हैं हिप बात में लेना, हिप बात के अंदर पट्टी उतार दो, पट्टी उतार दो, स्पाइनल बात में ये टब है हिप बात, इसके अंदर में इस प्रकार से बैठ जाना, पानी जो है नाभि से नीचे तक रखना, बस ऐसे बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, पानी जो है नाभि से नीचे तक रखना है, और ठंडा पानी डालना, नॉर्मल पानी, बर्फ वाला पानी नहीं, नॉर्मल पानी। इससे क्या लाभ होता है, जब आपका इतना हिस्सा और इतना हिस्सा जो है ऊपर का पानी में डूबा रहेगा, तो ये हिस्सा ठंडा हो जाएगा। विज्ञान को समझना, ऊपर का हिस्सा गर्म है, टांगे नीचे गर्म है, जहाँ पर गर्म है वहाँ पर खून जो है फैलेगा, और जहाँ ठंडा वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ खून आ जाएगा नीचे से भी, टांगों का भी, ऊपर का भी, क्योंकि यहाँ चीज ठंडी होगी इतनी, और किडनी हमारे पेट में के नीचे है, यही पेट के अंदर है, तो उस किडनी को और पेट के सभी यंत्रों को खून अधिक मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, और वहाँ की गर्मी पेट की निकल जाएगी सारी, और एक छोटा सा कपड़ा लेकर के पानी से भिगो करके पेट के ऊपर ऐसे क्लॉक वाइज उसको घुमाते रहिएगा, पेट पर पानी डालकर घुमाते, ताकि पेट को थोड़ी ठंडक मिले अंदर के अंगों को, ऐसे लपेट के ऐसे ऐसे करके घुमाते रहिए पेट के ऊपर। अब जब यहाँ खून का दौरा तेज हो गया तो किडनी का फंक्शन भी ठीक होगा, किडनी का फंक्शन भी बढ़ जाएगा, काम करने लग जाएगी, शुगर का लेवल भी आपका कम हो जाएगा, पैंक्रियाज भी काम करने लगे, डाइजेशन भी आपका ठीक हो जाए, लिवर भी काम, लिवर में सूजन आ गई, आंतड़ियों में सूजन आ गई वो भी कम हो जाएगी, आंतड़ियों के गर्मी बड़ी हुई है, मल सूख जाता है, कब्जी रहती है, वो भी ठीक हो जाएगी। मतलब के पेट के सारे रोग, जितने भी पेट के अंदर यंत्र लगे हुए हैं परमात्मा की ओर से, वो सारे की क्रियाशीलता, काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, किडनी की बढ़ जाए, और इसमें बैठने सारे उसको यूरिन आएगा बैठने के बाद तुरंत ही, तो जो किडनी काम नहीं करती थी वो काम करनी, जिनकी किडनी बिल्कुल बैठ गई है सारा दिन यूरिन नहीं आता, अगर वो इसको टब में दो तीन बार बैठें तो उनको यूरिन आने लग जाएगा, किडनी का फंक्शन बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही प्रभावकारी है टब बात। आजकल सर्दियाँ हैं, थोड़ी सी दिन में ले लें, अगर किडनी के मरीज को ठंड भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, अंदर का इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, इसलिए जब धूप निकली हो उस समय जो है ये टब बात ले सकते हैं, या फिर शरीर बर्दाश्त करे तो ले सकते हैं, अगर शिवरिंग होती हो, बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो, तो ये टब बात ना ले सर्दियों के दिनों में। तो ये जो है इस प्रकार से किया। दूसरा बात है, दो बार दिन में ये टब बात लेना है, और एक बार स्पाइनल बात लेना है, इसी का दूसरा हिस्सा है स्पाइनल बात। कम से कम स्पाइनल बात जो है टब बात एक बार सवेरे ले लिया, एक बार बीच में फिर स्पाइनल बात ले लिया, दो तीन घंटे बाद शाम को फिर जो है अपना हिप बात ले लिया, दो बार हिप बात हो गया, एक बार स्पाइनल बात। स्पाइनल बात इस तरीके से लेना है, पहले पट्टी बांध लेनी है पेट के ऊपर इस तरीके के साथ। टाइम कितना, आधा घंटा गुरुजी? आधा घंटा काफी है, 20 मिनट आधा घंटा बहुत है, इतनी देर में ही जो फंक्शन होना होता है अंदर में क्रिया वो हो जाती है आधे घंटे में। बाकी 5-10 मिनट कम पट्टी भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं होता, एक ऐसे पट्टी लगा लें गले पे, इसको स्पाइनल बात कहते हैं।
ये जो है इधर साइड बैठना, ऐसे लेट जाना। ये कप जो है एक साइड में लंबा होता है थोड़ा सा, एक साइड में छोटा होता है। जिधर लंबा है थोड़ा उधर सिर रखना है, और सिर रख करके पानी इसमें केवल 2 इंची के करीब पानी डालना है, ज़्यादा भरना नहीं है, सिर्फ 2 इंची पानी डालना है। इसके अंदर में भी आधा घंटा लपेटना है। पानी की पट्टी जो है उसको गीली करना है। ये तीनों पट्टियाँ जो लगाई हैं ये गीली करके लगानी है, ताकि गर्दन पर और सिर पर भी ठंडक पहुँचे, वहाँ की भी गर्मी निकल जाए। और स्पाइन के, विशेषकर स्पाइन प्रभावित होती है इसको लगाने से, रीढ़ की हड्डी जो है वो प्रभावित होती है इसको लगाने से। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर के जो फंक्शन है, नर्वस सिस्टम है, वो सारा टोन अप हो जाता है इससे। साथ साथ पेट के भी टोन अप हो जाते हैं। जिनको नींद नहीं आती है वो नींद आने लग जाती है, कमर में किसी के दर्द है सर्दियों के अंदर में, वो इसको लेना शुरू कर दे तो उनके सर्दियों में स्पाइनल में जो कोई विकृति आ गई है वो भी ठीक हो जाती है, और साथ साथ किडनी के मरीजों को भी लाभ मिलता है। जो प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार होता है वो एक अंग को नहीं, सारे अंगों को लगभग ठीक करता है। वो किडनी को भी ठीक करेगा, लिवर को भी ठीक करेगा, इंटेस्टाइन को भी ठीक करेगा, हार्ट को भी ठीक, सारे अंगों को लगभग ठीक करता है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है कि कुछ विशेष अंगों पर उनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन लगभग वो सारे शरीर को स्वस्थ करता है। ये विशेषता है प्राकृतिक चिकित्सा की, नुकसान कुछ नहीं करता वो। नुकसान जो है, अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, ओवर कैपेसिटी से, आपको ठंड लग रही है, शिवरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, बर्दाश्त नहीं कर सकता आजकल जैसे ठंड लग रही है, किडनी का मरीज को बहुत ठंड लग रही है, वो पानी के टब में लेट जाएगा तो उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इस ट्रीटमेंट को करना है। ज़्यादा अच्छी बात यह है कि देख रेख में करें, किसी की जानकार की तो ज़्यादा अच्छा है, अपने आप करने से। वैसे अपने आप भी कर सकते हैं, मगर आपको समझ होनी चाहिए इस चीज़ों की कि कौन सी चीज़ मुझे किस हिसाब से करनी है। कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं, ठीक तरीके से नहीं करते हैं, घर में जाकर फिर उनका प्रभाव नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता, फिर वो कहते हैं हमने किया था जी इसलिए हुआ नहीं। इस चीज़ों के पीछे डूबना पड़ता है, निकलना, अपने आप को गवाना पड़ता है, क्योंकि जी कुछ भी हो जाए मुझे ठीक करना है, और दवाई नहीं खानी, हॉस्पिटल नहीं, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुझे दवाई नहीं खानी और मेरे को जो है नेचर से ही ठीक करना। और इस ईश्वर पर पक्का आपको भरोसा होना चाहिए कि ईश्वर से बढ़ करके मेरे शरीर का डॉक्टर और मेरा वेलविशर ज्ञाता कोई नहीं है, और अगर वो नहीं मुझे ठीक कर सकता तो दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपको नेचर के ऊपर, और दृढ़ विश्वास से आपको ये करना चाहिए तो कोई कारण नहीं है कि आपका रोग ठीक ना हो। इसलिए सारी चीज़ों को ठीक करना है, मन के विकार भी ठीक करने, क्रोध नहीं करना बिल्कुल भी। बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं, जब हम देखते हैं तो उनके अंदर क्या क्या कमियाँ, कुछ मरीजों के अंदर छोटी छोटी बात में गुस्सा एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, लड़ने भरने को तैयार हो जाते, एकदम उसके बाद जब ठंडे होते हैं तो उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वीक हो जाते हैं एकदम, क्योंकि एनर्जी उन्होंने क्रोध में आके खत्म कर दी, सारी एनर्जी खत्म हो गई उनकी, अब वीक ही होंगे। इसलिए पेशेंस भी अपने बना करके रखनी है, किसी भी बात पर उत्तेजित नहीं होना, गुस्सा नहीं करना किसी पर, घमंड नहीं करना है, विनम्र रहना है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव रहना है, अपने परिवार की तरह सबके साथ रहना है। ज़्यादातर लोग मरीज में आते हैं वो अपने घरों में ही रहते हैं, बस 2-4 बंदों से डीलिंग होती है, इससे ज़्यादा होती नहीं उनकी। जब यहाँ आते हैं यहाँ पर 10-20-50 लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, उनमें से किसी का कैसा स्वभाव, किसी का कैसा स्वभाव, जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते आपस में तो वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, वो ऐसा है जी, वो ऐसा जी, वो ऐसा जी, वो ऐसा, लड़ाई करना शुरू कर देते, और लड़ाई करते तो वहीं उनकी बीमारी बढ़ जाती है बल्कि कम नहीं होती। तो हमें अपने आपस के अंदर सबके साथ कोऑपरेट करके मिल के रहना भी सीखना है, सबके साथ सीखना। समझ लो ये सारा अपना परिवार है, सारा पूरे सृष्टि, ये पेड़ पौधे सब जीव जंतु हमारे परिवार हैं, भाई हैं, बहन हैं, माता है, पिता है, सब अपने परिवार हैं। तो उनके साथ हर तरह से एडजस्टमेंट करके घर में जैसे रहते हैं वैसे रहना। वैसे आजकल जो है घरों में भी एडजस्टमेंट नहीं है, दो भाई बहनों की भी एडजस्टमेंट नहीं है, माता पिता की भी नहीं है। वो बिटिया बैठी है ना कोमल, इसको गुस्सा बहुत आता है, मम्मी कहती थी कि गुस्सा बहुत आता है, एडजस्टमेंट नहीं, कभी क्या हाल है, काफ़ी कंट्रोल है। हाँ, तो जितना कंट्रोल करेगी उतना ठीक हो जाएगी।
यहाँ पर काफी लोगों को मैंने देखा, जब गुस्सा आ जाता है ना उसके बाद फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाते, कहते मैं तो और बीमार हो गया, अभी गुस्सा किया था ना, हाँ गुस्सा किया था, क्यों एनर्जी खत्म कर दी। मेरे को लोग कहते हैं आप कुछ नहीं कहते हो किसी को, कोई कुछ भी करता रहे, मुझे पता है कि मैं अपनी एनर्जी खर्च करी तो मैं नहीं डालू तो आपको कौन करेगा, फिर आपको कौन करेगा, आप तो पहले ही मरे हो, मैं भी मर गया तो ये सारे काम धंधे बंद हो जाए। अभी तो मैं खींचता हूँ, आप लोगों को थोड़ा चल लेते हो, खींचने में थोड़ी बहुत एनर्जी कुछ मिलती है तो थोड़ा चलते हो, अगर यहाँ से सोर्स ही खत्म हो गया तो आप तो पहले ही मरे हो और मर जाओगे, इसलिए मैं गुस्सा क्यों करूँगी। कुछ गलती करते भी हैं तो प्यार से उनको समझा देते हैं, भाई ऐसा मत करो, लेकिन लोग मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं, आप उनको सिर पे चढ़ा रहे हो, कुछ नहीं कहते हो इसलिए वो ज़्यादा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वो सिर पे मेरे क्या चढ़ेंगे, अपने करने से बेचारे मरे हुए हैं पहले ही, अब मैं उनको नहीं समझाऊंगा तो और कौन समझाएगा। अब है तो परिवार के सदस्य ना, जैसे भी हैं चाहे कोई बात नहीं, उल्ट गलती होगी सुधारो, फिर सुधारो, उसमें से कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ नहीं भी बदलते, कुछ देर से बदलते हैं, कुछ जल्दी बदल जाते हैं। इसलिए जैसे भी है हमें शांत रहना सीखे, बिल्कुल प्रेम से रहना सीखे सबके साथ, कुछ भी गलती होगी अपना कभी भी टेंपर लूज ना करें, एकदम आग बोला होने से बहुत एनर्जी खर्च होती है, बहुत एनर्जी हमारी चली जाती है, और वो एनर्जी खर्च होने के बाद फिर हम लोग बिल्कुल जब एनर्जी नहीं रहेगी फिर काम कैसे करें। तो इसलिए शांत बिल्कुल रहना सीखें। एक काम और कीजिएगा, अपनी बुराई सहना सीखेगा, ठीक है ना। हम लोग बुराई नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमें कुछ जरा सा कह देना ऐसे क्या फट से एकदम फटक जाते, मिनट कहते ही तुरंत उस पर जा, तूने ऐसे किया, तूने नहीं कुछ किया, फट फटाफट लट पड़ते। आज जो है इस स्वभाव को अपने को चाहिए, जब भी आपके कुछ बुराई करे पहले ही मान लीजिए कि मेरी कोई बुराई करेगा, अपनी बुराई जानबूझ के ही करवाइएगा और फिर शांत रहना सीखेगा। अगर आपने ये गुण सीख लिया ना तो आप बहुत कुछ पा जाओगे। जब भी कोई आपकी बुराई करे चुपचाप आराम से मगन होकर सुनते रहो, मगन होकर खुश होकर के सुनते रहो, ठीक है बढ़िया, हाँ ठीक है जो तू कह रहा है बिल्कुल ठीक है, और खुश रहो, और थोड़ी देर बाद देखना जो बुराई कर रहा था वो ढीला पड़ जाएगा, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा, क्योंकि उसने आपके पाप जो थे अपने सिर पे लाद लिए बेवजह ही, और आपके पाप हल्के हो गए, आप तकड़े हो गए, वो कमजोर हो गया। ये नियम है, आप किसी की भी बेवजह बुराई करोगे उसके पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं और हमारे अच्छे गुण चले जाते हैं। इसलिए जो है इस गुण को धारण कीजिए, कभी भी क्रोध मत कीजिएगा, कोशिश कीजिए शांत रहिएगा, कुछ भी कह दे तूने ये काम नहीं किया, वो काम गलत कर दिया, चुपचाप सुनते रहिए, या फिर शांति से बोलिए हाँ मुझे आता नहीं है ना, अभी करना मैं सीखता हूँ, गलती हो गई है फिर सुधार, ठंडे दिमाग, थोड़ी देर बाद वो भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आग दोनों तरफ से लगती है, अगर एक तरफ पानी है तो आग नहीं लगेगी, ठंडे हो जाएगा। इसीलिए हमारे गुरुजन संत महात्मा कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल हो। मगर हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, तुरंत झगड़ा होए, तुरंत झगड़ा होए, आपसे जो तक आपसे जो तकड़ा होए उससे झगड़ा मत करो, आपसे जो तकड़ा होए ऐसी वाणी बोलिए सबसे जो तुरंत झगड़ा होए उससे झगड़ा मत करो, जो खुद से तगड़ा जो आपसे तगड़ा हो जो खुद से तगड़ा हो उससे झगड़ा मत करो, उससे तो कोई करता ही नहीं जो खुद से तगड़ा होता है, उससे सब डरते कमजोर से ही हमेशा करते, या माँ बाप पे झगड़ा अक्कर दिखाते हैं हम लोग, क्योंकि माता पिता दयालु होते हैं, वो कभी बच्चों का बहुत बर्दाश्त करते हैं, माता पिता बहुत बर्दाश्त करते हैं, माता पिता बच्चे कुछ भी कहें और फिर भी माता पिता कोई बात नहीं बेटे क्या करें, जो मर्जी कह ले भैया जो कहना दे फिर भी उसका भलाई करते हैं, और ज़्यादातर हम माता पिता पर गुस्सा दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ कहना नहीं, दूसरा कोई कहेगा तो चार बातें हमें सुनाएगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, माता पिता ही बर्दाश्त करेगा। इसलिए कभी भी माता पिता पर छोटे बहन भाइयों पर कभी गुस्सा ना करें, प्रेम से समझाएंगे आप हमें की ताकत बनी रहेंगी। तो ये तो था मोटा मोटी उसका इलाज। वैसे
किडनी खराब होने के बाद ठीक होने काफी मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं होती। सारी चीजों को बदल करना पड़ता है, इसलिए किडनी ठीक हो जाएगी जरूर, मगर आपको किसी विशेष व्यक्ति की सुपरविजन में चलना पड़ेगा, खुद आप ठीक नहीं कर सकते। ये मोटी मोटी चीजें हमने बता दी है, चाहे बिल्कुल बंद कर दीजिएगा जो बताई है मैंने चीजें, मांस वगैरह प्रोटीन वाली चीजें बंद कर दीजिएगा खानी, और इन चीजों का सेवन करेंगे ज्वारे का, तो क्रिएटिनिन आपका बढ़ना रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं, खून जो आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, मगर ठीक धीरे धीरे होगी, एकदम नहीं होगा। आप सोचो ये चीजें खाते ही आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल आ जाएगा, नहीं, धीरे 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 कर, जैसे कुछ स्वभाव चेंज करेंगे, कुछ आप खाना पीना डेली अपना चेंज करेंगे तो धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा। और फिर भी जो है कोशिश ये करें कि किडनी खराब ही ना हो, सबसे अच्छी बात है। जो बच्चे आए हैं उनकी किडनी खराब, वो चीज़ों का सेवन ही ना करें, चाय छोड़ दें, मिठाइयाँ छोड़ दें, प्रोटीन अधिक वाली चीज़ें ना खाएं, बिल्कुल भी नमक जो है बिल्कुल कम से कम करें। हमारे बुजुर्ग कहा करते ना, इलाज से परहेज भला, ऐसे थोड़ी कह दिया उन्होंने, बहुत सोच समझ के खाओ। इसलिए चीज़ खराब होने के बाद हम उसको ठीक करें, इससे पहले है कि उनको खराब होने ही ना दें, वो ज़्यादा अच्छी बात। इसलिए जो इस चीज़ का पहले ही ध्यान रखें कि जो चीज़ें हमारी किडनी को ख़राब करती हैं उनको हम लोग सेवन ना करें बिल्कुल भी, किसी कीमत पर भी। दवाइयाँ जो भी लोग खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, घुटनों के दर्द की, पेन किलर, माइग्रेन की जो दवाइयाँ खा रहे हैं, उनसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो दवाइयों को जल्दी से जल्दी इस प्राकृतिक जीवन को अपना करके दवाइयाँ सारी छोड़ दें, नहीं तो उनकी किडनी खराब होने वाली है, खराब होने वाली है, आज नहीं तो कल। इसलिए जो है उसको पहले से बचें अपनी किडनी। जो अभी ब्लड प्रेशर शुगर की दवाइयाँ खा के कंट्रोल करके सोच के बैठे हुए कि कंट्रोल में है, कुछ नहीं होता, मगन है दुनिया का काम काज करने में, जिस दिन भी उनकी किडनी पे इफेक्ट आ गया उसी दिन फिर उनके सारे काम काज भी छूट जाएंगे, और फिर भगदड़ बच जाएगी, फिर अस्पताल जाएंगे, लुटेंगे भी, पिटेंगे भी, कटेंगे भी, बर्बाद भी होंगे, और फिर ठीक होने वाले। एक यही रास्ता है, हमने ये सारी दुनिया में ठुकरे खा खा करके धक्के खा खा के देख लिया, कहीं आपको राहत नहीं मिलने वाली। किसी के पास वस्त नहीं है जो आपको दे दे कोई वस्तु है भैया ले जाओ, आपकी किडनी को ठीक कर दे, कोई नहीं कर, बिल्कुल नहीं, लेबर कुछ नहीं करेगा, तो कुदरत ठीक करेगी, परमात्मा जिसने शरीर बनाया वही करेगी। जब आपका सारा सहारा तोड़ छोड़ देते हैं, सारे रिश्तेदार भाई बंधु डॉक्टर दवाइयाँ पैथियाँ कुछ काम नहीं करती, फिर क्या करते हो बताना जरा, क्या करते हो फिर? भगवान को याद करते हो ना, बस बेटे यही भूल है हमारी। मैं कहता हूँ भगवान को पहले क्यों नहीं याद करते, वो तुम्हारी किडनी सब होने ही नहीं देगा, पहले क्यों नहीं याद करते उनको, आपकी किडनी खराब ही ना हो कभी, लीवर खराब ही ना, हार्ट अटैक आए नहीं आपका, इसलिए पहले उसके नियम से चलो। तो इसलिए एक्सीडेंट होने के बाद ट्रीटमेंट करना भी तो अच्छी, वो तो मजबूरी है करना ही है फिर तो, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एक्सीडेंट ना ही हो तो वो सबसे अच्छी बात है, ना ही हो एक्सीडेंट। और कोई व्यक्ति जाए डॉक्टरों के नंबर अपने पास ड्राइवर लिख के लगा ले, और गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड किट रख ले, सारी दवाइयाँ रख ले गाड़ी का, अगर एक्सीडेंट हो गया तो फटाफट पट्टी करवा लूंगा, डॉक्टर को बुला लूंगा, और गाड़ी चलने दे जैसे चलती है, रेड लाइट होने दे पार, इंश्योरेंस करवा रखा है, और ठीक है वो कभी सुखी रहेगा, कभी नहीं रहेगा। दवाइयाँ क्या करेंगे, चोट क्या पता कहाँ लगे कहाँ ना लगे। ऐसे ही जो हम लोग अंधेबाज चलते हैं, इंश्योरेंस करवा रखा है, चलने दे जो होगा देखा जाएगा, एक पैर गौर लगा लो, चाहे चलने दे जितनी बार चलती है, नहीं ठीक होगा। और जब प्रॉब्लम आएगी तो कोई मदद नहीं करेगा आपकी, क्योंकि इस विषय पर कोई मदद कर नहीं सकता, किसी के पास इतनी विद्या समझ नहीं है कि कोई आपको इन दुखों रोगों से बचा दे। सिर्फ एक हॉस्पिटल आपके पास एक ही ऑप्शन है, हॉस्पिटल दवाई, और हॉस्पिटल दवाइयों में का क्या हो रहा वो देख ही लिया, आप देख चुके हो, शुरू शुरू में बात हमारी नहीं मानते थे, अब तो देख लिया आपने, देखने के बाद अब तो आपको खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि अब नहीं जाना वहाँ पर।
इसलिए इन सब चीजों से बचिएगा। किसी को भी किडनी कोई प्रॉब्लम है उनसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना आ जाए और फिर हमारी सेवाएं भी निःशुल्क कर सकते। या तो हम लोग ये कहते हो आपको कि भाई यहाँ आ जाओ, कुछ पैसे हमें दो, हमें कोई लालच है आपसे, कोई लालच नहीं, ये पैसा कोई लेते नहीं आपसे, हम लोग किसी से मांगते नहीं लेते नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है। और ठीक भी हो रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि जो हम आपको विद्या ज्ञान बता रहे हैं वो प्रभावकारी नहीं है। दो बातें होती हैं, एक चीज तो ये होती है जो फ्री की चीज होती है कई बार वो प्रभावकारी नहीं होती, यूजफुल नहीं होती, इसलिए आदमी सोचते इस समय कोई लाभ नहीं हो रहा। चलो वो तो मानी बात, भाई फ्री में ऐसे दे रहे हैं, ऐसे बोले जा रहे हैं, कोई फायदा तो इससे होता नहीं, लेकिन चीजों से फायदा भी हो रहा है आपको, फायदा भी हो रहा है आपको, ठीक भी हो रहे हैं, तो फिर कहाँ कमी है। कमी फिर हमारे अंदर ही है कि हम इसको फ्री की कई चीजों को हम लोग सोच के कलर नहीं करते उनके। गुरुजन जो है हमारी सारी जिंदगी उन्होंने सेवा में लगाई है, लेकिन सब लोगों ने कदर नहीं करी, क्योंकि बहुत सारी जैसे सूर्य की रोशनी, ये फ्री में, हवा फ्री में, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई कीमत नहीं, ये अनमोल है, इसके बिना हमारा एक क्षण भी जीवन नहीं चल सकता, मगर जिसको समझ है वो कदर करता है। ऐसे इस ज्ञान के बिना आप जीवन नहीं जी सकते, सूरज की रोशनी के समान है ये ज्ञान, क्योंकि अगर आपको इन चीजों की समझ नहीं है आप मुसीबत में पड़ जाओगे, छोटी सी मुसीबत में पड़ गए उसमें से निकल नहीं पाओगे, समझ नहीं कैसे निकलना है। इसलिए ये फ्री में इसलिए है कि ये अनमोल है, और दूसरा ये ईश्वर का है, किसी का नहीं, ना मेरा है ना किसी और का है। और ये जो चीज ईश्वर की होती है वो हमेशा सबकी भलाई के लिए होती है, वो निकल के होती है, कोई अमीर हो कोई गरीब हो सबके लिए एक समान होती है, वो भेदभाव के लिए नहीं होती किसी का। अब इस चीज की कीमत समझ के आप इसको अपना लेंगे तो जरूर असर करेगी, आप लोग बच जाएंगे, नहीं समझेंगे नहीं करेंगे तो नहीं बचेंगे, और फिर आप सोचेंगे कोई और बचाएगा, उससे ऊपर कोई है नहीं परमात्मा से ऊपर जो आपको बचा ले। हाँ ये है कि कुछ लेने देने के संबंध हैं, किसी ने कोई कर्जा देना है किसी का, नहीं देता, दान पुण्य करता नहीं, तो फिर वो क्या अस्पताल वाले लेंगे, उसकी बुद्धि भी फिर ऐसी हो जाती है, फिर वो वहीं जाता है, 10-20-50 लाख जेब से निकल जाते हैं तो दिमाग ठंडा भी हो जाता है, फिर कहता है वो ठीक है, दिमाग पैसे के लिए गर्मी चढ़ जाती है ना बहुत लोगों को, जब तक पैसा नहीं निकलता तब तक नहीं मानते वो। वो बात अलग है, कोई ऐसे थोड़े बहुत होते हैं लोग, अब जिनको देना भी दे दो जा करके बोल के, जिनको नहीं देना और कुछ धर्म कर्म में लगाना है, जीवन के अंदर कुछ सेवा करनी है, प्रभु के साथ रहना, वो इस पद्धति को अपना करके अपने सारे रोग ठीक कर लें, और रोगी हुए ही नहीं, सबसे अच्छी बात यह है, और अपने परिवार को भी बच्चों को भी बचाए। इसीलिए ये एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ आपका पूरा परिवार आ जाए, अभी आप आए हो आपके बच्चे आए आगे उसके बाद बच्चे, ताकि सारे एक तरीके से आप ही के लोगों की संपदा है, ये स्कूल है ये आप लोगों का, ये मेरा नहीं, मैं कितने दिनों कुछ दिनों में अभी मैंने भी एक दिन चला, उसके बाद कोई और आएगा, फिर आप लोगों का कोई ना कोई तो मार्गदर्शन करेगा, ये चलता रहे सबके लिए वो ज़्यादा अच्छी बात है, आप ही के लिए हुआ ना फिर किसके लिए हुआ। अभी आप आते हैं फिर आपके परिवार आएगा, बच्चे आएंगे, सबको सीखने की जरूरत है, ये तो नहीं खाली आप ही को सीखना, आप सीख जाते हैं तो दूसरे को बताते हैं भाई आप वहाँ चले जाओ, ऐसे धीरे धीरे करके आपके बच्चे आज नहीं जुड़ते कल जुड़ेंगे परसों जुड़ेंगे, कभी ना कभी तो आएंगे ना, एक जगह बनी हुई होगी, तो ये सब चीज़ें आप ही की हैं और आप ही लोगों को चलानी है, साफ सफाई देख रेख भी आप ही लोगों को करनी है सारी चीज़ें, ताकि ये ठीक से चलती रहे, सब स्वस्थ भी रहें आप सब लोग और देश समाज को भी। अब हमारे बीच में कुछ आपने तैयार किया, क्या किया, थोड़ा किडनी का किया, चलिए किडनी का कुछ इन्होंने तैयार किया हुआ है अंजना जी ने, ये आपको अभी क्वेश्चन आंसर होंगे उसके बाद कुछ भी, किसी को भी कोई क्वेश्चन आंसर पूछने उसके बाद सबके लिए टाइम दिया जाएगा, आप बड़ी खुशी से पूछिएगा और सबके जवाब दिए जाएंगे।